पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध और अत्याचारों के खिलाफ देश भर में गुस्सा छाया हुआ है। जहां इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जघन्य अपराध और अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए धरना दिया है और इसी के साथ ही प्रदर्शन भी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। देखिए खास रिपोर्ट। शहर के रिगल चौराहे पर हुए इस धरना प्रदर्शन में नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, कृष्ण मुरारी मोखे, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हाडिया, गोपी कृष्ण नेमा, अंजू माखीजा, दीपक जैन टीनू, सौगात मिश्रा, धीरज ठाकुर, कंचन गिदवानी, पूजा पाटीदार, उमा शशि शर्मा, सूरज कैरो, शैलजा मिश्रा, सविता अखंड, संदीप दुबे, सुधीर कोल्हे, पनीश मामा, नंदू पहाड़िया, शिखा दुबे, ऋषि खनुजा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने बताया कि बंगाल के संदेश खाली में जिस तरह की अराजकता वहां की पश्चिम बंगाल की सरकार के संरक्षण में हो रही है, लगभग 50 से ज्यादा हमारी जनजाति बहनों के साथ दुष्कर्म होता है। हजारों जनजातीय समाज के हमारे परिवार जन की जमीन लूट ली जाती है वहां के टीएमसी नेता के द्वारा और ममता बैनर्जी उसके संरक्षण में विधानसभा में बयान देती है और जब ईडी उसे गिरफ्तार करने जाती है तो पश्चिम बंगाल की सरकार उसकी ढाल बनकर खड़ी होती है। बंगाल के संदेश खाली में जिस तरह की अराजकता वहां की पश्चिम बंगाल की सरकार के संरक्षण में लगभग 50 से अधिक हमारी जनजाति बहनों के साथ में दुष्कर्म होता है, हजारों जनजाति समाज के हमारे परिवारजनों का जमीनें लूट ली जाती है, वहाँ के टीएमसी नेता शहजाद के द्वारा, शाहजहा शेख के द्वारा और ममता बनर्जी उसके संरक्षण में विधानसभा में बयान देती है और आज तक जब ईडी उसको गिरफ्तार करने जाती है तो पश्चिम बंगाल की सरकार उसकी ढाल बन के खड़ी होती है। पश्चिम बंगाल की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उसका संरक्षण करती है। वहाँ पश्चिम बंगाल की बहनों का और विशेषकर जनजाति समाज की बहनों का जो संदेश खाली में जिस तरह का उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, जिस तरह की अराजकता वहाँ हो रही है, उसके खिलाफ ममता बनर्जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी उनको उसका दुख नहीं लगता। आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के इस कुशासन के खिलाफ, उनकी इस तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ हम लोगों ने आज ये धरना दिया है, प्रदर्शन किया और मांग की है कि पश्चिम बंगाल सरकार तुरंत उन आतताइयों पे, बलात्कारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे सभी लोगों को जो भी सर्वोच्च दंड हो सकता है वो दे। इसके लिए ममता बनर्जी की ये जो सरकार है, ये जो तुष्टीकरण की सरकार है, उसको जगाने के लिए आज ये आंदोलन। वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि असामाजिक तत्वों को ममता बनर्जी संरक्षण दे रही है, उसके खिलाफ इस लड़ाई को बहुत बड़े प्रमाण में महिलाओं ने लड़ा है। गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई है और अगर ऐसा कहा जाए कि गिरफ्तारी क्या उसको पेश बंगाल सरकार के संरक्षण में कराया गया है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद में उसको जो पार्टी से बर्खास्त किया जाना चाहिए था तो मात्र 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है, ये उनकी मंशा को जाहिर करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्रवाई भी ईडी के ऊपर तो आक्रमण ही करते रहे किंतु कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब उसमें दखल दिया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब उसमें बहुत फटकार लगाई तब बंगाल सरकार को ये उसको पेश करने का काम करना पड़ा और इसलिए जिस प्रकार के असामाजिक तत्वों को ममता बनर्जी संरक्षण दे रही है उसके खिलाफ इस लड़ाई को बहुत बड़े प्रमाण में महिलाओं ने लड़ा और उसका परिणाम है कि कल ये कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी उसकी हुई है। अब आगे जो न्यायालय का फैसला होगा, न्यायालय जो न्याय करेगा वो सबको मान्य होगा, किंतु इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर
इस अभियान को हाथ में लिया और इसके खिलाफ हम जब तक उन महिलाओं को न्याय नहीं मिलता तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराध और अत्याचारों के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। जहां अब इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जघन्य अपराध और अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए धरना दिया और साथ ही प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।